जी मैं हूँ सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त सदर के निजी होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर PDMF की जानिब से एक छोटी सी तकरीब का जो है वो इनेकाद किया गया था। यहाँ पर जो है डिजिटल मीडिया से आए हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया गया है उन लोगों को जो लोग डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो इस टेबल पर बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया जो इस टाइम में निकाल कर आए, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था और इलेक्शन की कवरेज के हवाले से तकरीबन आप लोग मुझे पता है किधर किधर फंसे, तो उसके बावजूद भी इतनी कठिन मरहले से आप टाइम निकाल कर आए, तो आप लोगों का तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा, बात है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के हवाले से कि क्या करना चाहते हैं। तो गुड्डू भाई जो हमारे वो कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, सीनियर साफ़ी हैं, 32-34 साल की इनकी कारकर्दगी है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है और सारी चीज़ें आपके इलम में भी है। इससे पहले भी हम जिस प्लेटफार्म पर खड़े हुए थे काम कर रहे थे तो वो सारी आपके सामने, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी काम करना चाहते हैं। तो गुड्डू भाई से मेरी मशावरत हो चुकी है सारी चीज़ों के हवाले से, असलम भाई से, सलीमुल्ला भाई से, तो ये सारे लोग हमारे काम करना चाहते हैं सहाफ़ती हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, मेरे लिए तो भाई से फ़ख्र बात यह है कि मैं गुड्डू भाई के साथ काम कर रहा हूँ कि कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर भी हैं और सहाफ़ती मामलों में जितने सीनियर हैं वो जितने भी जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे जानते हैं। और बाकी YouTube के जो भी चैनल के लोग हैं, जैसे अभी एक आपने एक सवाल किया कि हमारे को जो लोग बड़ी गलत राय से देखते हैं, बात आपकी बिल्कुल बजाय कि YouTube हो या सोशल मीडिया के हवाले से हो या YouTube के चैनल हो, हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अच्छा, इसकी वजह ये कि करने वाला एक होता है मगर भुगतना हम सब लोगों को पड़ता है। जैसे सुमेरा खान साहब ये साहिबा बैठी हैं यहाँ पर, इनका चैनल के हवाले से ये भी हर जगह मुझे कवरेज पर नज़र आती है, ये भाई ये नज़र आते हैं, अजमत भाई खास तौर पर, गुड्डू भाई, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से टक्कर रहे होते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, कैमरे के पीछे जैसे भी आप लोग खड़े हैं या आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किन लोगों से आपकी कहाँ मुलाकात होती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम जूनियर कौन है सीनियर कौन है, सबको सब पता है। मगर ये कि मैंने अपने उस्तादों से सीखा है वो सारे, और जर्नलिज्म में एक उम्र उन्होंने खपत लगा के बैठ गए इस वक्त काम करके, तो हम उन लोगों से सीखे हैं। जैसे गुड्डू भाई इस वक्त आपके सामने एक जिंदा मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी जेर सरपस्ती में भी हम कुछ नहीं सीख सकते या काम नहीं कर सकते फिर हमसे बड़ा समझ लेंगे कोई फ़ायदा नहीं हमारा काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी में काम किया है, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल जो इदारे हैं उनके साथ काम किया है और हमारे काम की कारकर्दगी आप लोगों के सामने और वो सारी चीज़ें मौजूद है। सुमेरा खान साहब आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि हम कितने अरस्ते तरीके से काम कर रहे हैं और मैंने खुद आपको जिस तरह कवरेज पर देखा है, जैसे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे मोहसिन मेरे दोस्त बैठे हैं, ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, सलीमुल्ला भाई आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो बात यह कि हमें ज़रूरत नहीं है बताने की कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा काम इंशाल्लाह ताला फरवरी मार्च में आप लोगों को नज़र आएगा कि हम क्या करना चाहते थे और वो फरवरी मार्च के अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपने जो साफ़ी हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं चाहे वो किसी भी इदारे से हैं, जो भी उनकी आवाज़ होगी हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ खड़े होंगे और उनके काम के लिए इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हुए नज़र आएंगे। तो मैं चाहूँगा गुड्डू भाई कुछ अपने साफ़ियों के लिए या भाइयों के लिए कुछ अपनी बात का जो है वो बता दें कि आपका क्या मकसद है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से। सबको अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो हम खुश आमदेद कहते हैं सब लोगों को कि जो हमारे साथ मिलकर बैठे हैं। हमारा ये फोरम बनाने का मकसद ये है कि हम अपने यूट्यूबर साथियों को आगे बढ़ा सकें। देखिए, आगे जब भी इंसान बढ़ता है कि उसकी नीयत साफ़ हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम यूट्यूबर जो है जो सही सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, हमने उनकी तंजीम ये बनाई है ताकि जेन्युइन लोग आगे आए। देखिए, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है सहाफ़त। सहाफ़त जो है जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जितने लोग हैं वो आगे बढ़ें और जितने भी इधर उधर काम कर रहे हैं, जो बेचारे बिखर कर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा होकर हम एक साथ काम करें। तो हम लोगों ने इसी तंजीम को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमने, देखिए मैं एक पाकिस्तान KUJ का मेंबर भी हूँ, मेंबर होने के बाद मैं उसका अहदेदार भी हूँ, गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। पिछले दिनों हम लोगों की जब मीटिंग हुई है तो हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया है कि अपनी तमाम तंजीम को बोला है कि भाई ये जो यूट्यूबर है जो जगह जगह बेचारे ख्वार हो रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको अपनी टीम में, अपने KUJ में शामिल करके हम इनको आगे बढ़ाएँ, ताकि हम एक टीम और ज़्यादा आगे जो है एक कदम और आगे बढ़े। ताकि अब तो डिजिटल दौर आ गया, अब तो डिजिटल मीडिया का दौर आ गया, हम तमाम लोगों को चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन हम वाज़े तौर पे बता देना चाहते हैं कि हम उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे कि जो जेन्युइन लोग हैं। हमने अपने फॉर्म में भी ये मेंशन किया गया है कि लिफाफा सहाफ़ियों को हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे और वो किसी भी
किस्म के किसी भी उसमें पकड़े जाएं या कुछ हो जाएं तो हम उनका जो है साथ नहीं देंगे। हम अपने यूट्यूब पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही सहाफत करेंगे, हम उनका साथ देंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैं गुड्डू भाई की बात से बात को बढ़ाते हुए एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था। बात ये कि इंशाल्लाह ताला मार्च में, फरवरी में, जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि फरवरी में मार्च में अपने लोगों के लिए जो साथी हैं हमारे साफी हवाले से कि हम पैकेज देंगे, तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, जानने वाले, उनसे मेरी बात हुई है। तो अमूमन देखें, जहाँ तक हो सकता है कि किसी भी दोस्त को या हमारी वजह से कोई रिलीफ मिल जाता है तो एक अच्छा है, सदका जा रही है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी यकीन दहानी दिलाता हूँ, गुड्डू भाई से भी मेरी बात हुई, असलम भाई से भी, सलीमुल्लाह भाई से भी, क्योंकि सलीमुल्लाह भाई एजुकेशन के हवाले से बड़े सीनियर जाने जाते हैं, और फिर अपने काम के हवाले से भी। तो मेडिकल के अंदर इंशाल्लाह ताला एक कार्ड जो है वो इंश्योर्ड आपके हवाले किया जाएगा मार्च में, जिसमें देखें किसी जगह अगर 2 रुपये भी आपके किसी जगह बच जाते तो वो एक बहुत बड़ा काम है। तो वो कार्ड इंशाल्लाह 50% पे होगा, और 50% पे ये नहीं कि मकसद है कहने का कि डॉक्टरी के हवाले से जो आपके टेस्ट वगैरह हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं और दीगर मसले मसाइल घर पे होते हैं, तो उसमें वो 50% कार्ड जो है आपके इंशाल्लाह ताला काम में आएगा। इससे पहले भी मैं जिस जगह पर काम कर रहा था वहाँ पर भी मैं एक अहदे पर था, मैंने वहाँ पर भी ये अप्लाई किया था, वहाँ मैंने करके दिया था, जो लोग थे साथ जुड़े वो जानते हैं अच्छी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ काम करने चाहता हूँ, मुझे अहदे की ज़रूरत नहीं थी, मैं कई पहले भी कारकुनान के तौर पे मैं जैसे भी था मैं काम कर रहा था। ये गुड्डू भाई की, असलम भाई की, सलीमुल्लाह भाई की मेहरबानी जो उन्होंने कहा आप एज ए सेक्रेटरी सौदे पर आप आएँ, तो मैं काम को तरजीह देता हूँ बानिस्बत अहदे के। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं काम करने वाला आदमी, मुझे काम करने दिया और मैं काम करके इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा, चाहे इसमें प्लेटफार्म कोई भी हो। कराची प्रेस क्लब हमारा घर है, और ये मैं बात पहले भी कई बड़े होटलों में तकरीर में कह चुका हूँ, उससे तो हम हट ही नहीं सकते किसी सूरत में, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर हूँ, ये सीनियर मेंबर है, जानते हैं अच्छी तरीके से। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने मुझे बनाया और जिनके खलूस के साथ मेरे साथ जो मेरी मदद की, जिस तरीके से मेरे बुरे वक्त के अंदर मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनको ना कभी भूला हूँ ना मैं भूल सकता, और उनकी मदद मैं हासिल करूँगा अपने लोगों के लिए, और वो मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात थी, मैं इसमें मेंशन करना चाहता था जो मैं भूल गया हूँ। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से हमारा मकसद एक अच्छा है, और अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं सबकी तरफ से इस बात की यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ, कोई 2 नंबर के काम में नहीं पड़ना चाहता। हम एक दूसरे के काम तो ज़रूर आ सकते हैं, जैसे अमजद भाई बैठे हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, ये खुद एक पुराने आदमी हैं। असलम भाई बात गलत तो नहीं है मेरे के, जाहिर बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत पुराने हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफार्म पर इन्होंने मुझे ला के खड़ा किया, मैं काम करूँगा और काम करके इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। जो बोल रहा हूँ आपके सामने जमा करके आपको बताऊँगा कि देखें ये काम आपके लिए कर दिया मैंने इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताइएगा खालिद साहब कि ये आज आप लोगों ने जो ये पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फॉर्म आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है सहाफ़ियों के लिए, तो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, तो इसका मेन पर्पस है क्या बेसिकली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का और मोहम्मद उस्मान साहब का जो CEO है और आपका खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का। आपने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम का जो है वो मकसद क्या है, मकसद ये कि कुछ भी नहीं है। हम इससे पहले भी काम कर रहे थे, मुख्तलिफ स्टेज पर हम खड़े हो गए, इदारों पर खड़े हो गए, हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार खुशी इस बात की कि असलम भाई के रेफरेंस से हमने सारे लोगों को जमा करके, असलम गुड्डू भाई के रेफरेंस से एक प्लेटफार्म पे सबको जमा किया है, और हमारा जो मकसद है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया फोरम के हवाले से, वो हमारा मकसद है कि एक अच्छा काम करना चाहते हैं, जो हमने पहले किए, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं तो हम उससे अच्छा करना चाहते हैं। और इस बार हमारा मकसद यही है कि इंशाल्लाह ताला फरवरी में, मार्च के अंदर एक पैकेज है हमारा अपने लोगों के लिए, साफियों के लिए, तो वो हम देना चाहते हैं गुड्डू भाई की सिर सरपरस्ती में। जो गुड्डू भाई हमारे सदर हैं और असलम भाई नायब सदर हैं, सलीमुल्लाह भाई नायब सदर हैं, इन्फॉर्मेशन के अंदर नुमान हैदर भाई हैं, एज अ सेक्रेटरी में खालिद खान, तो काम करने के लिए आए इंशाल्लाह, अच्छा काम करके देंगे और लोग आप लोगों को नज़र भी आएगा इंशाल्लाह ताला। वैसे डिजिटल मीडिया को लोग इतनी अच्छी तरह से नहीं सराहते, अगर हम देखें तो लोग ये कहते हैं कि आप ब्लैकमेल हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज कन्वे करना चाहिए? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने कहा है कि डिजिटल मीडिया के हवाले से, जो यूट्यूब कह लें या सोशल मीडिया के हवाले से कह लें या डिजिटल कह लें, कि ये बात आपने सही की कि हमारे जो लोग हैं उन पर एक बड़ा जो है ना काले धब्बे की तरीके से वो लगा दी जाता है, बड़ी आसानी से जो है ना वो इल्ज़ाम जो उसकी बौछाड़ कर देते हैं। मगर देखें हर जगह पे कोई ना एक आध तो जो है वो, जैसे आटे में नमक ना हो तो जायका नहीं बनता, इस तरीके से ख़राब लोग भी ऐसे ही, जब तक वो नहीं होते तो हमारे लोगों में निखार पैदा ही नहीं होता। और हम लोग अपने काम को अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आपके CEO है मोहम्मद उस्मान साहब है, वो काफ़ी सीनियर है और इतने अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 हो गया, दीगर और चैनल हो गए, सारे पुराने लोग हैं जिन्हें लोग बा फेस अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो गलत करते हैं उनको यहीं के यहीं सह के चले जाना होता है, जो अच्छे काम है अपने नाम से नाम बनाया था अच्छे काम से। तो इंशाल्लाह ताला हर बंदा ऐसा नहीं है मेरी नज़र के अंदर। तो
जी, अगर मैं बात करूं खालिद साहब की या फिर गुड्डू भाई की या असलम खान साहब की या फिर मैं बात करूं उस्मान साहब की या दूसरे और भी दीगर जो है वो चैनल से आए हुए चैनल्स के जो हैं वो सीईओ यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिन्होंने बातें बहुत सारी की हैं। अब देखना यह है कि यूट्यूबर्स के लिए जो इन लोगों ने बातें की हैं क्या उन बातों पर ये लोग अमल दरामद करते हैं। दो महीने का टाइम लिया है खालिद साहब ने कि 2 महीने में जो है वो यूट्यूबर्स को जो है मज़ीद फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मज़ीद हम इनके दूसरे प्रोग्राम को भी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म यूट्यूबर्स के लिए, तो इंशाल्लाह ये आगे तरक्की भी करेगी। और इनका कहना ये भी था कि यहाँ से जो यहाँ पर जो है फेक लोगों के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, जो कि उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरह से मैंशन कर दी कि फेक या ब्लैकमेलर्स के लिए इनके इस फॉर्म में कोई भी जगह नहीं है। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।